नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या होम्यो केयर में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली होम्योपैथिक टॉनिक के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे हाथ में यह एक होम्योपैथिक टॉनिक है जो पिछले कई वर्षों से यह बच्चों की स्वास्थ्य एवं ताकत देने वाली यह एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक टॉनिक है, जिसका उपयोग हर होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं खुद अपने क्लिनिक में भी बच्चों के लिए बच्चों को यह टॉनिक बहुत अधिक देता हूं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो इस टॉनिक का नाम है दोस्तों बीबी फॉस चिल्ड्रेन टॉनिक। तो बीबी फॉस चिल्ड्रेन टॉनिक, जैसा कि इसका नाम है बीबी या बेबी से बीबी, तो बीबी फॉस यानी बेबी, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, तो उनके लिए यह टॉनिक बहुत ही उपयोगी होते हैं। हालांकि इसका उपयोग सियाने 8 साल 10 साल 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस टॉनिक में कौन कौन से मेडिसिन मिला हुआ है। तो दोस्तों, इस बीबी फॉस में कई महत्वपूर्ण होम्योपैथिक टॉनिक मिलाया गया है, कई महत्वपूर्ण औषधि मिला हुआ है, जिसमें सबसे पहला आपको कैमोमिला मिला हुआ है। तो दोस्तों, कैमोमिला खास करके यह बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण दवा मानी जाती है। कैमोमिला का जो बच्चे होते हैं वो चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, वो हमेशा गोद में ही रहना चाहते हैं। और उनमें एक और खास चीज़ होता है कि अगर वह किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं और देने के बाद वह उस सामान को फेंकते हैं, यानी चिड़चिड़ा किस्म के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यह टॉनिक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो उसमें कैमोमिला फ़ायदा करता है। दूसरी बात है दोस्तों, इसमें कलकेरिया कार्ब मिला हुआ है, जो खास करके कलकेरिया कार्ब जो बच्चे जिनको अक्सर आपको पेट का शिकायत रहता है, पाचन संबंधित गड़बड़ियाँ रहता है, जिनको अक्सर पेट गड़बड़ रहता है, या जो दांत निकलते समय अगर जो उनकी परेशानियाँ होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। उसके बाद है दोस्तों पोडोफाइलम। तो पोडोफाइलम खास करके पोडोफाइलम जब बच्चे को छोटी अवस्था में रहते हैं, जिनको आपको इनोसेप्रोलैप्सिस की शिकायत होता है, अर्थात गुद्दा का बाहर निकलना, या अगर उसमें हरा पीला दस्त होता है, वोमिटिंग होता है, तो उसमें भी यह उसमें के लिए भी आपको पोडोफाइलम मिला हुआ है। उसके बाद है चाइना, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिन्हें अक्सर बुखार या सर्दी इत्यादि लगता है, तो उनके लिए भी आपको चाइना मिला हुआ है। उसके बाद है कलकेरिया फॉस, जिन बच्चे का जो अस्थि यानी हड्डियाँ जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, तो यह हड्डी को भी मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें कलकेरिया फॉस मिला हुआ है। तो इन तमाम जो औषधि मिला हुआ है जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, खास करके उनके विकास के लिए। तो दोस्तों, यह दवा जिन बच्चों को जब दांत निकलने के समय अक्सर देखा जाता है कि उनका दांत समय पर नहीं निकलता है, या दांत निकलने में बहुत परेशानी होता है, दांत निकलते समय ये देखा जाता है कि उनको अक्सर हरे पीले दस्त होते हैं, वोमिटिंग होता है, अगर वह दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद जो है वह तुरंत उसको वोमिटिंग कर देते हैं, क्या हो जाता है, या अगर उनकी हड्डियां का विकास नहीं होता है, सूखा रोग होता है,
रिकेटस का अगर शिकार होते हैं जिनको पोषक तत्व की कमी होता है, तो उनके लिए यह टॉनिक बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावे दोस्तों, अगर बच्चे में सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सभी चीज अगर होता है, तो इन तमाम प्रकार के रोगों के लिए आपको बीबी फॉस बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके अलावे बच्चे को अगर ताकतवर बनाना है, बच्चे कमजोर है, तो उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, ऊर्जा देने वाला यह एक बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक टॉनिक है। तो याद रखिएगा, बीबी फॉस चिल्ड्रन टॉनिक जो बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टेड है, बहुत ही प्रभावशाली है। तो दोस्तों, यदि आपके परिवार में बच्चे हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं, जिनको अक्सर सर्दी, खांसी, अगर पेट गड़बड़ी होता है, पेट में कॉलिक होता है, दर्द होता है, या बच्चे कमजोर है, जिनका हड्डी का डेवलपमेंट नहीं होता है, या जिन बच्चे को दांत निकलता है, दांत निकलते समय जो बहुत सारी परेशानियां जो होते हैं, तो उन इस तरह की अगर शिकायत आपके परिवार में अगर किसी बच्चे को है, तो आप एक बार दोस्तों केवल बीबी फॉस का प्रयोग करके देखें, आपको लाजवाब फायदा होगा, बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, बीबी फॉस अपने बच्चे को देना ना भूले, या मानसिक यानी शारीरिक के साथ साथ बच्चे को मानसिक विकास भी कराता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बीबी फॉस। दोस्तों इस टॉनिक को देना कैसे है, तो इस टॉनिक को आपको एक छोटा सा चम्मच बच्चे को दिन में 3 बार देना है। इसको आप पानी या दूध दोनों के साथ, अगर आपके बच्चे को सियाना है, 1 साल या 1.5 साल का अगर है या 2 साल का है, अगर वह दूध पीता है तो दूध के साथ दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दूध उपलब्ध नहीं है तो सीधे आप इसको पानी के साथ भी दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार देना है, पानी या दूध के साथ इसको दिया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके सामने अगला वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।